अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं और आपके पास अपना पीसी या लैपटॉप नहीं है तो आपको डेस्कटॉप साइट्स को एक्सेस करने में काफी प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि जाहिर है बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके फंक्शंस मोबाइल वर्जन में उस तरीके से काम नहीं करते जैसे कि डेस्कटॉप वर्जन में करते हैं। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। सो हे गाइस, दिस इज स्वराज, और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल ब्राउजर में ही डेस्कटॉप साइट्स को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस बार में उस वेबसाइट को सर्च करना है जिसका डेस्कटॉप वर्जन आप ओपन करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर youtube.com को सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो YouTube की वेबसाइट ओपन हो रही है ये YouTube का मोबाइल वर्जन है, लेकिन हमें इसका डेस्कटॉप वर्जन ओपन करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट बने दिखाई दे रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर जो YouTube की वेबसाइट ओपन होगी वो YouTube का डेस्कटॉप वर्जन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब YouTube का डेस्कटॉप वर्जन ओपन हो चुका है और अब आप यहाँ पर वो सारे काम कर सकते हैं जो कि आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर पर Facebook का डेस्कटॉप वर्जन ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एड्रेस बार में हमें सबसे पहले facebook.com को सर्च करना है। अब आपके सामने जो वेब पेज ओपन होगा ये फेसबुक का मोबाइल वर्जन है। तो इसे डेस्कटॉप वर्जन में ओपन करने के लिए हमें वापस से 3 डॉट पे क्लिक करना है और फिर रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। और अब आपके सामने फेसबुक का डेस्कटॉप वर्जन ओपन हो चुका है। यहाँ पर भी वो सारे फंक्शंस बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे कि आपके पीसी या फिर लैपटॉप में काम करते हैं। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल है। सो आई होप ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो इसे डिसलाइक कीजिए। चैनल को दिखाने में सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बैठ के जय हिंद।